फ्रेंड्स वेलकम बैक पी बी बी एन ऑनलाइन क्लास। हम आज करेंगे अपने एकादश पाठ के क्वेश्चन आंसर, समवायो ही दुर्जय, यानी समूह को जीतना कठिन होता है, उसको हम नहीं जीत सकते हैं। किसी का भी समूह हो, चाहे कोई निर्बल प्राणियों का ही समूह क्यों ना हो, उसके आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये जो शब्दार्थ हैं इनको अच्छे से पढ़ें आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, जो प्रश्नों के उत्तर हैं एक पद में लिखिए। वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म, यानी वृक्ष के नीचे कौन रहती थी, तो कौन रहती थी वृक्ष पर, वृक्षे यानी वृक्ष पर कौन रहती थी, चटका चिड़िया या गौरैया, तो क्या लिखेंगे चटका। वृक्षस्य अधः क आगत, यानी वृक्ष के नीचे कौन आया था, तो कौन आया था वृक्ष के नीचे, गज है, क्या लिखना है आपको गज है। गज है केन शाखाम अत्रोट्यत, जो हाथी है उसने किसके द्वारा शाखा को तोड़ा, तो सुंड के द्वारा, तो क्या लिखेंगे सुंडेन द्वारा, है ना, केन आया है तो किसके द्वारा, तो माध्यम वाला हमें करना पड़ेगा, तो क्या आएगा सुंडेन। फिर है काष्ठकूट है चटकाम कश्या समीपम अनयत, यानी जो काष्ठकूट है वो चटका को किसके समीप ले गया, किसके पास ले गया, चिड़िया को, तो अपनी दोस्त थी मक्षी उसके पास, तो मक्षी काया हा, ठीक है, चटका कश्या हा आया है तो आप लिखेंगे मक्षी काया हा। मक्षी काया मित्रम क आसित, जो मक्षिका थी मधुमक्खी थी उसका मित्र कौन था, तो उसका मित्र कौन था, मेघनाथ था ना मंडूक है, तो क्या लिखेंगे आप मंडूक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आद्विते प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित जो पद किया गया है नीचे, जो अंडरलाइन जो पद किया गया है उसको आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है, जैसे, और प्रश्न निर्माण करने के बाद उसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। रेखांकित पदानी आद्रिते प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो कालेन चटकाया संतति जाता, समय के अनुसार चटका के गौरैया के संतान होती है, तो किसके संतान होती है, किसके को संस्कृत में क्या लिखेंगे, चटकाया आया है तो आप लिखेंगे कश्या, है ना, कश्या संतति जाता हा, जाता और प्रश्नवाचक लगा देंगे। फिर चटकाया नीडम भुवि अपतत, यानी जो चटका का गौरैया का जो घोंसला है वो भूमि पर गिर गया, तो क्या गिर गया भूमि पर, प्रश्न ऐसे बनाना है आपको, तो क्या के लिए संस्कृत में क्या आएगा किम, तो चटकाया हा किम भुवि अपतत है, नीडम की जगह क्या जाएगा किम। गजस्य वधे नैव मम दुःखम अपसरेत, है ना, कि जो हाथी है उसका वध ही मेरे दुख को दूर कर सकता है ना, ऐसे कौन बोलती है, गौरैया बोलती है चटका, तो किसके वध से, तो किसके की जगह, गजस्य की जगह आप क्या लिखेंगे कश्य, क्वेश्चन बनाएंगे कश्य वधे नैव मम दुःखम अपसरेत, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नयने स्फोटियसी क्षति, स्फोटियसी क्षति यानी काष्ठकूट, यानी जो वो होता है काष्ठकूट जो पक्षी होता है उसने चोंच से गज की हाथी की आंखों को फोड़ता है, तो किससे फोड़ता है, कैसे फोड़ता है, तो क्या आएगा चंचुआ की जगह कया, काष्ठकूट कया गजस्य नयने स्फोटियसी क्षति, ठीक है, वो चोंच से उसकी हाथी की आंखें जो है फोड़ देता है। फिर है मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानी स्थानानी पूर्यत, ये तो बहुत ईजी है, ये मंजूषा दी भी है, इसमें से आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, जैसे जैसे आपके चैप्टर में आए थे वैसे वैसे वो शब्द यहाँ जोड़ने। काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नयने, क्या करेंगे उससे जो आँखें हैं अपनी चोंच से क्या करेंगे फोड़ेंगे, तो वो आ जाएगा स्फोट यही क्षति, ठीक है। मार्गे स्थित है अहम अपि शब्दम करिष्यामि, मैं मार्ग में स्थित होकर मैं शब्द करूँगा। फिर है तुषार्थ गज जलाशयम, जो प्यासा जो होगा वो जलाशय के क्या जाएगा गमिष्यति जाएगा, है ना, गज गर्ते, फिर वो जो है हाथी है उसमें किस में खड्डे में गिर जाएगा तो पतिष्यति। फिर है काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीप अनयत, काष्ठकूट मक्षिका को उसके समीप, मक्षिका के समीप ले जाता है उसे, किसे, चटका को। गज सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटियती, है ना,
असुंडेन से तोड़ता है वृक्ष की शाखा, क्या करता है तोड़ता है तो त्रोटयति। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यन लिखत, एक पूरा वाक्य आपको लिखना है। तो आपने अगर इसको हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में समझा है पूरा, तो पहले इनको उत्तर आपको हिंदी में आने चाहिए कि चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम किम अपृच्छति, यानी वो जो गोरैया है वो रोके, चटका जो है अपना रोके अपना उसको सुनाती है, तो वो क्या काष्ठकूटम ताम किम अपृच्छत, उसके विलाप को सुनकर क्या पूछता है कि तुम्हारे कौन सा दुख है, क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रही हो, से पूछता है ना। फिर सेकंड है चटकाया है काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, फिर वो उसको मक्षिका के पास ले जाता है, फिर मक्षिका उसको सुनकर के क्या बोलती है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ फिर आपको लिखे हुए ही ये समझा दूँगी। मेघनाद है मक्षिका किम अवदत, जो मेघनाद होता है मंडू का वो मक्खी को क्या बोलता है। फिर चटका काष्ठकूटम किम अवदत, और जो गोरैया है चिड़िया है वह काष्ठकूट से क्या बोलती है ना, तो वो मैं बताती हूँ आपको। ये आपके ये बड़े क्वेश्चन है, तो मैंने इसका लिखा हुआ ये आपको दिखा दिया, चटकाया विलाप श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छति। ये जो सेंटेंस है जो नीचे संस्कृत के, ये आप बुक में से भी चैप्टर में से लिख सकते हैं, चटकाया विलाप श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किम अर्थम विलपसे, क्यों रो रही हो तुम। तो ये आपके जहाँ मैंने पढ़ाया था वहाँ भी ये सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएंगे, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, वह उसकी बात सुन करके काष्ठकूट की क्या बोलती है मक्षिका, तो वह क्या बोलती है मक्षिका अवदत ममापि मित्र मंडूक मेघनाद, यानी मेरा मित्र है एक मंडूक मेघनाद नाम का, शीघ्रम तमुपेति यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र उसके पास पहुंचकर हम जो उचित होता है वो हम करेंगे। मेघनाद मक्षिका किम अवदत, मेघनाद जो है वो मक्षी को क्या बोलता है, तो मक्षिकाम अवदत यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप कीजिए। चटका काष्ठकूट किम अवदत, चटका काष्ठकूटम अवदत दुष्टे नई कयन गजेन मम संतति ही नाशिता तस्य गजस्य वधेन एव मम दुःखम अपृच्छत, यानी जो दुष्ट एक दुष्ट जो हाथी है उसने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है, तो मैं उसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा, ऐसा चटका बोलती है। ठीक है, तो ये आपको बड़ा वाला क्वेश्चन मैंने आपको शो कर दिया है, आप इसको कर लेना। हाँ, फिर बच्चों ये आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, या आप जैसे जैसे पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति लिखा हुआ है इनके अनुसार इनके सारे आप भर लेंगे, बुक में ही भर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंगे उदाहरणानुसार, इसमें शब्द योजित्वा भूतकाले क्रिया रचयत, तो इसको आपको जैसे वस्ति समय अवशत का वस्ति समय करना है, भूतकाल ही है तो दोनों में अपन अवशत का भी भूतकाल होता है कि रहता था, और वस्ति समय का भी यही अर्थ होता है, तो आपको ये कर देना है। जैसे अपठत का पठति स्म है, अत्रोटियत का त्रोटियति स्म है, अपतत का पतति स्म है, अपृच्छत का पृच्छति स्म है, अवदत का वदति स्म है, अनयत का नयति स्म है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोष्ठकात उचित हम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी बालिका मधुरम गायति, तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको जो ब्रैकेट में दे रखे हैं संख्यावाची शब्द वो भी स्त्रीलिंग का ही एकवचन लेना पड़ेगा, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है, तो बालिका तो क्या आएगा एका, एका बालिका मधुरम गायती। कृषिका, कृषिका बहुवचन है पुल्लिंग का, तो पुल्लिंग का संख्यावाची शब्द क्या होगा चत्वारे है, चत्वारे कृषिका कृषक कृषि कर्माणि कुर्वन्ती। फिर है पत्राणी नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो नपुंसकलिंग का बहुवचन कौन सा सर्वनाम है तानी पत्राणी सुंदराणी संति, तो तानी आएगा। ठीक है, धेनु है बहुवचन है धेनु का, दुग्धम क्या आएगा ददती है ना, इसका ददाती ददतः ददती इस प्रकार इसका आता है, तो इसका ददती थोड़ा अलग है, इसके इसका जो है इसके थोड़ा अलग आता है, तो इसमें क्या आएगा ददती। वयम संस्कृतम अपठाम है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है ना, वयम तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आ जाएगी अपठाम है। ठीक है, ये आपका होता है पूरा, नेक्स्ट करेंगे हम आगे का, कौन सा चैप्टर करते हैं बीच में एक दो स्किप भी कर दूंगी मैं, और वो करेंगे हम। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।